हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमिरेट्स D20 की, जो कि मैच होगा यहाँ से शारजा वर्सेस फुजेरा के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा यहाँ से ECS T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ बुखाती T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ मिल जाएंगे आपको यहाँ से झारखंड T20 के वीडियोज़। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच शाम को 6:30 पर ICC एकेडमी दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो वैसे तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन कभी कभी बॉलर्स भी यहाँ पर हावी हो जाते हैं। ज़्यादा स्कोर हुआ नहीं अभी तक, बाकी 150 रन के आसपास एवरेज स्कोर मान के चल सकते हैं। पेशर्स को शुरुआत के अंदर हेल्प मिल सकती है। तो बाकी सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टीम शारजा की, तो 4 मैच खेली जहां से 3 मैच जीत के आ रही है, 1 ही मैच अभी तक हारी है। और ओपनिंग की बात करें तो ऐसे अब्दुल शुक्र और खालिद शाह दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं, और आई थिंक ये शायद दोनों के ही नाम आपको दिखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपिंग करवा सकते हैं। देख लेते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे खालिद शाह ही विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखते हैं, लेकिन यहाँ से एज अ प्लेयर दोनों ही यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि खालिद शाह उस लेवल के प्लेयर है जो कि कभी भी आपको बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और इवन बात करें अब्दुल शुक्र की, तो अभी तक का उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 22 और 41 जैसे 2 बड़े स्कोर किए हुए, तो इनको डेफिनेटली ट्राई करेंगे। बाकी फैयाज अहमद की बात करो तो बैटिंग के साथ साथ यहाँ से बॉलिंग से भी कमाल कर सकते हैं, तो एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए फैयाज अहमद बेस्ट पिक रहने वाले, इनको डेफिनेटली ट्राई करेंगे। 108 मैच खेल चुके T20 जहाँ पर 1193 रन है करीबन 25 के एवरेज से, और यहाँ से विकेट्स की बात करते 142 विकेट निकाल चुके 342 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो ओवर्स भी करवा सकते हैं। हालांकि अभी तक तो 4 मैच खेले जहां पर सिर्फ 1 ही गेंद डाली है, लेकिन आगे आपको एक दो ओवर्स करवाते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी बात करें ऐसे बसील हमीद की, तो हर एक मैच के अंदर बैटिंग से अच्छा कर रहे हैं, इवन पिछले 3 ही मैच के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलिंग से विकेट भी चटका रहे हैं, तो ऐसे बसील हमीद डेफिनेटली अच्छी चॉइस रहेंगे। वैसे प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, ऐसे बैटिंग से भी आपको बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इवन यहां से 40-50 रन मार के भी दे सकते हैं आपको, तो ऐसे बसील हमीद एक अच्छी चॉइस है, इनको ट्राई कर सकते हो एज अ डिफरेंशियल वे में। सॉरी यहां से बोले तो ऐसे सेफ पिक है, इनको हेड टू हेड में भी लेके जा सकते हो। बाकी अमजद गुल को ट्राई कर सकते हो, अभी तक का उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, 31-25 जैसे 2 बड़े स्कोर किए हुए हैं, और वैसे ओवरऑल भी 145 मैच के अंदर करीबन 34 के एवरेज से 3316 रन किए, साथ में 27 विकेट निकाल चुके हैं 103.3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो इनको ट्राई करिएगा। बाकी बात करें अयान अफजल खान, तो देखो अभी इनका टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है, लेकिन सामने वाली टीम का भी ऐसे टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है, तो ये टीम थोड़ी सी ऐसे रिस्की हो सके, ये मैच थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, क्योंकि ऐसे अयान अफजल खान की बात करो तो बैटिंग से 2 बार बड़े स्कोर किए, इवन 2 बार विकेट भी चटका चुके, हालांकि रेगुलर बेसिस पर यहाँ से ओवर्स नहीं विकेट नहीं मिली उनको, 2 मैच के अंदर विकेट मिली, 2 मैच के अंदर नहीं मिली, और बैटिंग से भी कुछ ऐसा ही है कि 2 मैच के अंदर परफॉर्मेंस किया, 2 मैच के अंदर नहीं किया, शायद इनको शायद ज़्यादातर जनता लेके नहीं जाएगी, लेकिन आप चाहे तो इनको डिफरेंशियल वे में करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी हसन ऐसा खेल की बात करो तो ये प्लेयर्स काफी अच्छा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहा, इससे पहले उन्होंने ऊपर से खेला, यहां से 1 डाउन खेले जहां पर 29 रन किए 35 रन किए, और लास्ट मैच की बात करो तो काफी नीचे खेले, तो एक बार वापस ऊपर से खेल सकते हो, तो इनको डिफरेंशियल वे में ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। बाकी जहूर खान एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, और यहाँ से UAE की तरफ से भी यहाँ से बहुत सारी मैचेस खेल चुका है, काफ़ी अनुभवी प्लेयर है, और इनको डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे हमारी टीम के अंदर। बॉलर्स की बात करूँ तो बॉलर्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसको छोड़ के जाएंगे थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत वाली बात होने वाली, बड़ी कन्फ्यूजन होने वाली है। देखो जहूर खान अभी तक सारी मैच के अंदर विकेट निकाले, दानिश कुरेशी ने एक बार यहाँ से 2 विकेट निकाले, यानी कि पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकाल रहे हैं, जाहिद हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, सज्जाद मलुक ने भी लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाल दिया, तो देखो चारों ही बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, अभी किसको छोड़ के जाएंगे ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हमारे लिए होने वाली है, तो इनके बारे में लास्ट में ही चर्चा करते हैं। बाकी इंपोर्टेंस की बात करते हैं ऐसे जहूर खान और
सज्जाद मलुक, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, बाकी इन दोनों में से किसी एक को लेना है तो ये हम लास्ट में चर्चा करते हैं। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आइए चलिए बात करते हैं ऐसे टीम फुजेरा की। तो चार मैच खेली, चारों ही मैच हार के आ रही है। हमदार ताहिर और वसीम मोहम्मद, सॉरी हार के नहीं जीत के आ रही है भाई, थोड़ा कंफ्यूज होना रहा है, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहूंगा मैं इसके लिए। बाकी हमदान ताहिर और वसीम मोहम्मद दोनों ओपनिंग करवा रहे। देखो हमदान ताहिर काफ़ी अच्छा प्लेयर्स है, 41 रन की एक पारी भी खेली, लेकिन अभी तक 3 मैच के अंदर फेल रहे, और आज की मैच के अंदर आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करते हैं। बाकी वसीम मोहम्मद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस रहने वाली, इनको ट्राई कर सकते हो। ऐसे उस्मान खान एज अ प्लेयर आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए। रोहन मुस्तफा तो ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है, यूए की तरफ से कई सारी इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, हालांकि यहाँ से इनकी यूए की तरफ से कैप्टनशिप भी करवा चुके, तो ये तो आपकी टीम के अंदर भी रहने चाहिए। इवन यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए बढ़िया पिक रहने वाले आपके लिए रोहन मुस्तफा, या अच्छी पिक रहेगी। बाकी आशिफ खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। देखो यहाँ से ऊपर से एक दो विकेट गिर जाती है, अगर इनकी बैटिंग आ जाती है तो ऐसे कमाल कर लेते हैं। एक मैच के अंदर उनकी बैटिंग नहीं आई, 3 मैच के अंदर बैटिंग आई, जहाँ पर 2 बार 50+ का स्कोर है और 1 बार 26 रन किए हुए हैं, तो एक बार फिर से हम लोग इनको लेके जा सकते हैं। बाकी विष्णु सुकुमारन ओके ओके पिक रहेंगे, हालांकि ये ओवर्स डाल के कभी भी एक दो विकेट भी चटका सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा। जाहिद अली लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, वैसे प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, 154 मैच के अंदर 196 विकेट निकाले हुए, 506 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो हर एक मैच के अंदर 4 ओवर्स पूरी करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा इनको अपनी नजर में रख के चलेगा। बाकी काशिफ दाऊद इंपॉर्टेंट पिक, यहाँ से उमेर अली बैटिंग सेक्शन से रहेंगे, लेकिन हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। शाकिब मंशद दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकाले। देखो यहाँ से बॉलर्स बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम के पास यहाँ से तगड़े बॉलर्स है, और कोई भी एक बॉलर आज से बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है तो यार बड़ी कन्फ्यूजन होने वाली। बाकी मारुच मर्चेंट की बात करो, अभी तक 3 मैच खेले, जहाँ पर 2 मैच के अंदर ओवर्स की और दोनों ही मैच के अंदर विकेट मिली, हालांकि 1 मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं की थी, तो देख लेते हैं इनके बारे में लास्ट में ही चर्चा करते हैं। बाकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो ऐसे काशिफ दाऊद और शाकिब मंशद स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में ऐसे रोहन मुस्तफा, उमर फारूक और ऐसे काशिफ दाऊद जो है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए आते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे चेंजेस वगैरह करने की, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग जाते हैं सीधा फैंटासी ऐप में और देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ से कन्फ्यूजन काफ़ी होने वाले। देखो हमदान ताहिर भी कभी भी यहाँ से 70-80 रन भी मार के दे सकता है, इतनी कैपेसिटी है इनकी, खालिद शाह भी सेम यहाँ से यही कहूँगा, लेकिन अभी की रिसेंटली फॉर्म की बात करो तो अब्दुल सुकूर थोड़े से अच्छे टच में दिख रहे हैं, और स्मॉली के लिए यहाँ से सेफ पिक रहेंगे, तो मैंने इसके लिए लेके जा रहा हूँ। बाकी इन दोनों ही प्लेयर के ऊपर अपनी नज़र रख के चलिएगा। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे उस्मान खान रहेंगे, आसिफ खान रहेंगे, बशीर हमीद, फैयाज अहमद और यहाँ से उमेर अली को मैंने पिक किया है। आप चाहे तो ऐसे हसन ऐसा खेल को ले सकते हो, एक बार वापस ऐसे 1 डाउन में खेल सकता है, इनको ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में वसीम मोहम्मद और रोहन मुस्तफा रहेंगे। बाकी अयान अफजल खान एक अच्छी पिक बन सकते हैं, इनको लेके जा सकते हो। ऐसे काशिफ दाऊद भी एक अच्छी पिक है, इनको ट्राई कर सकते हो। और बॉलिंग सेक्शन से दानिश कुरैशी है, या से जहूर खान और या से मोहम्मद जाहिद को मैंने पिक किया है। बाकी सज्जाद मलुक को ट्राई कर सकते हो, आप लोग किन की जगह पर करोगे यार, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। देखो सज्जाद मलुक है, यहाँ से शाकिब मंशद है, अगर यहाँ से सिमरनजीत सिंह कांग खेलते तो इनको भी डेफिनेटली लेके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी एक मैच खेला है जहां पर 3 विकेट निकाले हो, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, या से उमर फारूक को भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी, ये कैप्टन हमारे रहेंगे या से रोहन मुस्तफा, और वाइस कैप्टन की बात करो तो बशीर हमीद को मैंने किया है, क्योंकि ऊपर से भी खेल रहा है, इवन अभी तक हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, इसके लिए मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके इनको मैं लेके गया हूं। बाकी ऑप्शंस की बात करो तो वाइस कैप्टन कैप्टन की या से उस्मान खान है, आसिफ खान है, या से वसीम मोहम्मद है, इनको ट्राई कर सकते हो। उमेर अली हर एक मैच के अंदर 1-2 विकेट निकाल रहे हैं, इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट है, आप बॉलिंग डिपार्टमेंट से आप किसी के भी ऊपर भरोसा करके इनको कैप्टन वाइस कैप्टनशिप देना चाहो तो दे सकते हो। हालांकि कैप्टन के लिए तो यहाँ से रोहन मुस्तफा ही बेस्ट पिक रहेगी, आप चाहे तो वाइस कैप्टन वगैरह चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए याद रहे कि ये जो मेरी टीम है वो डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27।
और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर टेलीग्राम में मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करें। इसके साथ साथ यहाँ से बुखाती T20 के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, झारखंड T20 के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे ऐसे ECS T10 के वीडियो। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बाकी पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छे से विनिंग करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।